आज की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आप लोग सीखेंगे। एप्लीकेशन है आपका SLC का, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। प्रश्न कैसा आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। SLC भी कह सकता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कह सकता है, ठीक है, CL सर्टिफिकेट भी कह सकता है। तो ये सारे नाम अगर कहीं आते हैं तो आपको इसी एप्लीकेशन का यूज़ करना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 बहुत बार पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण है, आने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर सीखें और बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है, आसानी से याद हो जाएगा मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी जानें इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका होता है, यदि आपका सही है तो हो सकता है आपको पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। लेकिन तरीका बिगड़ने पे हो सकता है एप्लीकेशन सही होने के बाद भी आपको नंबर ना मिले। तो ध्यान दीजिएगा, तरीका आपको सीखना है, तरीका यही है जैसे फॉर्मेट में हमने लिखा है। पहले जो 5 लाइनें आप देख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल ABC इंटर कॉलेज महोबा 25 सितंबर 2023, ये 5 लाइनें आपकी बराबर में लिखनी है लगातार एक दूसरे के नीचे, और शुरू से लिखना है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट वाली लाइन है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर SLC, इस लाइन को आप बीच से भी शुरुआत कर सकते हैं, शुरू से भी शुरुआत कर सकते हैं, दोनों तरीके इसके सही हैं। और फिर रिस्पेक्टेड सर जो हम लिखते हैं, यह है आपका ठीक ऊपर की 5 लाइनों के बराबरी में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की 5 लाइनों के बराबरी में हमें रिस्पेक्टेड सर लिखना है। इसके बाद में लिखा हमने आई बेग टू सर दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10C ऑफ योर स्कूल, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10C का विद्यार्थी हूँ। आई हैव पास्ड माय क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैंने अपना कक्षा 9 का जो एग्जामिनेशन है इस वर्ष पास किया है। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू देवास डिस्ट्रिक्ट, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर देवास डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, इसलिए मैं अपना जो अध्ययन है यहाँ पर लगातार नहीं कर सकता हूँ। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, कृपया मेरा विद्यालय का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे देने का प्रयास करें या कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद, 10th फरवरी, ये डेट आप इसमें वही डालेंगे ऊपर वाली, 10th फरवरी पड़ी हुई है, ये गलत है, डेट में आप 25 सितंबर 2023 डालेंगे, या फिर डेट को आप ना लिखें क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं, आगे डालेंगे योर ओबीडियंटली स्टूडेंट या योर ओबीडियंट स्टूडेंट XYZ। यहाँ पर यदि आप इस एप्लीकेशन को प्रधानाचार्य को दे रहे हैं तो आप अपना नाम डाल सकते हैं, लेकिन यही एप्लीकेशन यदि आप बोर्ड परीक्षाओं में लिख रहे हैं तो आप XYZ ही लिखेंगे, वहाँ पर आपको नाम नहीं डालना है। तो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ में आया, यदि कोई लाइन क्लियर ना हो, कोई अक्षर क्लियर ना हो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट इसी प्रकार लिखना है। इसको देख देख के बार बार लिखिए और 2 से 4 बार लिखने पे ऑटोमेटिक आप फॉर्मेट का अंदाज़ा लग जाएगा और फिर एप्लीकेशन आपका गलत नहीं होगा, लिखने का तरीका सही होगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देख लेते हैं, टू द प्रिंसिपल ABC इंटर कॉलेज महोबा UP 25 सितंबर 2023, सब्जेक्ट में है एप्लीकेशन फॉर SLC, रिस्पेक्टेड सर मतलब आदरणीय सर, आई बेग टू सर दैट, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10C ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय में 10C का विद्यार्थी हूँ। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैंने इस वर्ष कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम है वो पास किया है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू देवास डिस्ट्रिक्ट, मेरे पिताजी का जो तबादला है देवास डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, इसलिए मैं लगातार अपना अध्ययन यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे स्कूल का प्रमाण पत्र देने का, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो देने का हमें कृपा करें। तो ये था इसका पूरा फॉर्मेट, और एप्लीकेशन बहुत सरल है, तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, और इतना महत्वपूर्ण है कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप तैयार जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में चीज़ें ज़रूर बताएं। कोई नया अगर एप्लीकेशन आपको चाहिए हो तो उसे भी आप हमारे